एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR से टेलीकॉम कंपनियों पर बाजार में टिके रहने का संकट पैदा हो गया है। वोडाफोन आइडिया ने तो 2500 करोड़ की पहली किश्त चुकाने के बावजूद अपनी दुकान बंद करने की आशंका जताई है। एयरटेल 10000 करोड़ का भुगतान कर चुकी है। इस बीच टेलीकॉम कंपनियां सेल्फ असेसमेंट में जुटी हैं। उन्होंने शुरुआती आकलन के बाद संकेत दिए हैं कि सरकार के अनुमान के उलट AGR बकाया आधा हो सकता है। अब इस पर एक और नई कानूनी जंग भी जल्दी छुड़ सकती है, लेकिन इतना तय है कि AGR के बकाये का पूरा भुगतान होने से देश के वित्तीय घाटे का बोझ बेहद कम हो सकता है। अनुमानों के मुताबिक अगर टेलीकॉम कंपनियां तय समय पर AGR के 1.2 लाख करोड़ रुपए का भी भुगतान कर देती हैं, तो 2018-19 का वित्तीय घाटा 3.5% पर आ सकता है। सरकार ने 2018-19 के लिए वित्तीय घाटे के अनुमान को 3.5% से बढ़ाकर 3.8% कर दिया है। AGR के बकाये की वसूली के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में टेलीकॉम डिपार्टमेंट को आदेश दिया था। 3 महीने की मोहलत इस काम के लिए दी गई थी, लेकिन फैसले का पालन नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। इसके बाद दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों पर भुगतान के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अब कहा जा रहा है कि बकाये की वसूली की शुरुआत का सिलसिला जारी रहने पर 16 मार्च के बाद तेजी से वित्तीय घाटे का गणित बदल सकता है। दरअसल 16 मार्च तक सभी टेलीकॉम कंपनियों को AGR का भुगतान करना है। ऐसे में अगर AGR के तौर पर सरकार को 1.2 लाख करोड़ रुपए मिलते हैं, तो 2020-21 में देश का वित्तीय घाटा घटकर GDP के 3.5% पर आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद हरकत में आई टेलीकॉम कंपनियों ने दूरसंचार विभाग को AGR भुगतान करना शुरू कर दिया है। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के बाद टाटा ग्रुप ने भी आंशिक भुगतान किया है। टाटा ग्रुप ने 2190 करोड़ रुपए का भुगतान AGR के तौर पर दूरसंचार विभाग को कर दिया है। टाटा ग्रुप की ओर से ये भुगतान टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड और टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड के लिए किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी टेलीकॉम कंपनियों को दूरसंचार विभाग को करीब 1,47,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना है।